जादुई सैंडल का घर। पूनम एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी जो कि अपनी माँ और पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। पूनम ईमानदारी के साथ साथ बहुत ही संस्कारी लड़की थी और हमेशा ही बड़ों का आदर किया करती थी। पूनम के पिता दिनेश, उनकी एक चप्पल जूते की दुकान थी जिससे उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और सभी खुशी से रह रहे थे। दिनेश और पूनम की माँ रेखा पूनम को हमेशा अच्छी बात ही सिखाया करती थी। पूनम स्कूल जाती, उसकी कई सारी दोस्त थी। पूनम पढ़ाई में भी अच्छी थी और कभी भी उसके स्कूल से शिकायत नहीं आती थी। पूनम अपनी माँ या पिता को जो भी लाने को कहती तभी वो चीज़ उसके सामने लाकर रख देती, लेकिन उसने हमेशा ही काम की चीजें ही अपने माता पिता से मांगी। पूनम दिखने में भी काफी खूबसूरत थी और उसके पास जितना था वो उसी में खुशी से रहती थी और इसी तरह पूनम की जिंदगी गुजर रही थी और वो सभी खुशी से जी रहे थे। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। एक दिन पूनम स्कूल से आकर कहती है, माँ माँ कहाँ हो आप, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। अरे हाँ बाबा, ला रही हूँ। आज तो तेरा टेस्ट था ना, बता कितने नंबर आए। माँ मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया, ये देखो कितने अच्छे नंबर आए हैं मेरे टेस्ट में। पूनम अपनी माँ को अपना टेस्ट दिखाती है। ये देखकर रेखा कहती है, अरे वाह तेरे तो काफी अच्छे नंबर आए हैं, चल आज मैं तेरे मन पसंद का खाना बना दूंगी। तो ठीक है माँ, आज मेरे लिए राजमा चावल बना देना, लेकिन अभी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ ला रही हूँ। फिर रेखा पूनम के लिए खाना लेने चली जाती है। फिर पूनम खुश होकर सोचती है, अरे वाह आज तो माँ मेरे लिए राजमा चावल बनाएंगी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। पूनम ऐसा सोच रही होती है, इतने में ही रेखा पूनम के लिए खाना लेकर आ जाती है। ये ले खाना खा ले। अच्छा वैसे माँ कल तो संडे है, तो मैंने सोचा है क्यों ना हम शॉपिंग पर चले। तुझे तो बस घूमने के बहाने चाहिए। चलेंगे, पहले तेरे पापा को तो आने दे। हाँ हाँ माँ, जब पापा शाम को आएंगे तब आप पापा से पूछ लेना और फिर हम कल शॉपिंग पर चलेंगे। और वैसे माँ आपने बोला था ना कि आप मुझे एक फ्रॉक दिलाओगी। अरे हाँ हाँ दिला दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर पूनम बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह रेखा पूनम को अपने से भी ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही शाम हो जाती है, दिनेश घर आ जाता है। तब पूनम और रेखा दिनेश के पास जाती हैं। पापा पापा कल संडे है, माँ और मुझे कल शॉपिंग पर जाना है, क्या हम जा सकते हैं? लेकिन पिछले संडे ही तो तुम दोनों शॉपिंग पर गए थे। अरे जाने दीजिए ना, ये घूमती रहती है तो इसका मन बहल जाता है और आज इसके वैसे भी टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आए हैं तो मैंने सोचा कि कल इसको शॉपिंग पर ले चले। अच्छा ठीक है, थैंक यू पापा। फिर पूनम रात को खुशी खुशी अपने पसंद के राजमा चावल खाकर सो जाती है और सुबह होकर वो जल्दी से तैयार हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो शॉपिंग करने चले जाते हैं। शॉपिंग से आकर दोनों ही बहुत थक जाते हैं, फिर दोनों आराम करने लगते हैं। पूनम तो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। इतनी देर में ही रेखा घर के बचे कुछ काम कर लेती है। थोड़ी देर बाद पूनम उठती है और फिर वो खेलने चली जाती है। माँ मैं खेलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से खेलना और जल्दी आ जाना। हाँ हाँ माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर पूनम खेलने के लिए चली जाती है। सीमा तुझे पता है कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी और वहाँ से मैं अपने लिए अच्छे से फ्रॉक लेकर आई हूँ। फ्रॉक लेकर आई है, मुझे नहीं दिखाएगी क्या? क्यों नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं घर जाऊंगी तो तू भी मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें अपनी फ्रॉक दिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद पूनम खेलकर अपनी सहेली को अपने साथ घर ले आती है और अपनी नई फ्रॉक दिखा देती है। अरे वाह ये फ्रॉक तो बहुत ही अच्छी है। हाँ मुझे पता था तुझे फ्रॉक बहुत पसंद आएगी। ऐसे ही बात करते करते सीमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब पूनम स्कूल में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके स्कूल में एक फंक्शन है। उसके पास एक फ्रॉक तो थी, बस उसके पास सैंडल नहीं थी। स्कूल से आकर वो अपने पापा से कहती है,
पापा, हमारे स्कूल में कुछ दिनों बाद एक फंक्शन है जिसके लिए मुझे नई सैंडल चाहिए। क्या आप अपने दुकान से मेरे लिए नई सैंडल ला देंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सैंडल लेके आऊँगा। अगले दिन ही दिनेश अपनी दुकान पर जाता है और पूनम के साइज की सैंडल लेकर घर को लौट रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और वहां जब ये बात पूनम और रेखा को पता चलती है तब उन्हें बहुत दुख होता है और उन दोनों को वहां पर लेकर भी आते हैं। तब पूनम देखती है कि साइड में ही सैंडल पड़ी हुई है, उसे बहुत दुख होता है। पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे? मेरे लिए डॉल कौन लाएगा और मेरे लिए गिफ्ट कौन लाएगा? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए पापा? आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी। आपको पता है ना, मैं अपने से भी ज्यादा प्यार करती हूँ आपको। मैं आपसे कभी अलग नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा नहीं बोलते बेटी, अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम सबको छोड़कर चले गए। पता नहीं अब हम दोनों कैसे रहेंगे। नहीं माँ, पापा कहीं नहीं गए, अभी पापा ठीक होकर आ जाएंगे। नहीं बेटा, अब तेरे पापा कभी नहीं आएंगे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। पूनम और रेखा बहुत रोती है और रोते हुए घर चली जाती है। घर जाकर पूनम खाना भी नहीं खाती और भूखे पेट ही सो जाती है। जब एक्सीडेंट के टाइम दिनेश के पास वो सैंडल पड़ी हुई थी, वही सैंडल पूनम अपने साथ घर ले आती है, क्योंकि उसके पिता की एक आखिरी निशानी थी उसके पास, जिसे वो बहुत संभाल कर रखती है। वो 2-3 दिन तक किसी से बात नहीं कर रही थी और खाना भी नहीं खा रही थी। अपने पिता के गुजर जाने के बाद अब वो बहुत उदास रहने लगी। लेकिन दिनेश के गुजर जाने के कुछ ही समय बाद वो गरीब हो गए। उनके घर में जितना भी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गया और जिस वजह से पूनम अब स्कूल भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि अब वो बहुत गरीब हो गए थे, उनके पास एक भी रुपए नहीं थे। एक दिन उनके घर पर श्यामलाल नामक एक व्यापारी आता है और कहता है, तुम्हारे पति के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। क्या काम है आपको? तुम्हारे पति ने मुझसे पैसे उधार लिए थे ताकि वो जूते और चप्पल की दुकान खोल सके। वो पैसे तुम्हारे पति ने अभी तक मुझे नहीं दिए हैं, वही पैसे लेने आया हूँ। अभी हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है और हम इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे? आप थोड़े समय तक रुक जाइए, मैं किसी तरह आपको पैसे दे दूंगी। अभी मैं तुम्हारे घर की परिस्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन मैं 1 महीने बाद आऊँगा और तब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। 1 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा घर ले लूँगा। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास एक ही रहने का ठिकाना है और अगर ये घर भी आपने हमसे ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे? व्यापारी रेखा के घर की परिस्थिति समझकर अभी तो यहाँ से चले जाता है। अब मैं क्या करूँ? एक तरफ घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये पैसों के लिए परेशान कर रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं अब मैं अपनी बेटी के साथ कैसे रहूंगी। बेचारी पूनम स्कूल भी नहीं जा पा रही और पिता के गुजरने के बाद कितनी उदास रहने लगी है। पूनम अपनी माँ की ये बातें सुन रही होती है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो उदास होकर अपने कमरे में जाती है। पापा, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देख रहे हैं ना, आपके जाने के बाद मैं कितनी उदास रहती हूँ। एक ही निशानी है आपकी, वो है ये सैंडल। और आज तो एक अंकल आकर पैसे मांग रहे थे। अभी तो हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और हम उनको इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे? पूनम ऐसा सोचकर बहुत उदास होती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद व्यापारी फिर से कुछ गुंडों के साथ आता है। दरवाजा खोलो और मेरे पैसे दो। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, आपको पैसे कहाँ से देंगे? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अभी इस घर को खाली करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करवाऊंगा। रेखा और पूनम दोनों ही डर जाती हैं। फिर पूनम अपने पिता की एक फोटो और अपने पिता की सैंडल लेकर घर से बाहर आ जाती है। रेखा भी पूनम के साथ आ जाती है और अब वो घर व्यापारी का हो चुका था।
वहाँ दोनों माँ बेटी बहुत उदास थी, क्योंकि उनके पास रहने को एक ही घर था, पर उसे भी व्यापारी ने ले लिया और अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। पूनम के पैरों में चप्पल नहीं थी, इसलिए पूनम उन सैंडल को पहन लेती है। लेकिन जैसे ही पूनम उस सैंडल को पहनती है, तभी उस सैंडल में से आवाज आती है, उदास मत हो पूनम, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और उस व्यापारी ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया। वो व्यापारी बहुत बुरा है, उसने तुम्हारी परिस्थिति ना समझकर तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक सैंडल का घर दूंगी जिसमें कि सब कुछ होगा। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी, सोना, पैसा और खाने के लिए भी सारी चीजें। क्या सच में आप हमें सैंडल का घर देंगी? हाँ, फिर तुम खुशी से रहना। फिर तभी जादुई सैंडल सामने ही एक सैंडल का घर बना देती है, और जब रेखा और पूनम उसमें जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उसमें बहुत सारा पैसा, सोना और भी कई चीजें हैं। रेखा और पूनम बहुत खुश हो जाती हैं। चल, और कुछ तो नहीं, पर अब पेट भर खाना तो मिलेगा ना? हाँ माँ, अब हम इस घर में खुशी से रहेंगे, और इस घर में हमारी जरूरत की सारी चीजें हैं। हम जो मर्जी यहाँ से ले सकते हैं। पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर भी वो हमारी कितनी देखभाल कर रहे हैं। उस दिन से पूनम और रेखा दोनों उस घर में खुशी से रहने लगे, क्योंकि उस सैंडल के घर में सारी चीजें थी। वो घर अंदर से बिल्कुल महल की तरह था। लेकिन पूनम के पास एक जादुई सैंडल का घर है, ये व्यापारी को पता चल जाता है और ये जानकर उसके मन में लालच आ जाता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। वो फिर पूनम के घर पर जाता है और कहता है, अरे दरवाजा खोलो। हाँ बोलिए। तुम्हारे पति ने मुझसे पैसे लिए थे, और वो पैसे उस घर से पूरे नहीं हुए, इसलिए मुझे ये वाला घर भी चाहिए। नहीं नहीं, हम ये घर नहीं देंगे। तुमने हमसे हमारा घर ले लिया, लेकिन हम ये वाला घर नहीं देंगे। अगर तुमने ये घर भी ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कहाँ रहोगे, बस मुझे अपने पैसे लेने से मतलब है। फिर घर से जाने के लिए मान जाते हैं। हाँ, अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने, लेकिन तुम्हें इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अपने पति की फोटो भी नहीं लेकर जानी है तुम्हें। तुम उसका क्या करोगे, एक ही तो फोटो है मेरे पति की, ये फोटो मुझे लेकर जाने दो। मैंने बोल दिया ना कि तुम इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, अब निकलो यहाँ से। फिर पूनम और रेखा उस घर से निकल जाती हैं। वो चलते ही जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ व्यापारी जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि जादुई सैंडल के घर में बहुत सारा सोना, पैसा और भी जरूरत की सारी चीजें हैं। उसके मन में लालच आ जाता है और वो तुरंत ही सोना, पैसा सब कुछ लेने लगता है। और लेकिन जब वो जादुई सैंडल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, और वो एक हफ्ता भूखे प्यासे घर में रहते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हर रोज की तरह व्यापारी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, खोल दो ये दरवाजा, एक हफ्ता हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इस दरवाजे को खोल दो कोई। व्यापारी के इतना कहते ही उस घर में से आवाज आती है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुम्हें उन दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, और तुमने उन दोनों को इस घर से भी निकाल दिया। अब तुम जाओ और उन दोनों को ढूंढकर उन दोनों से माफ़ी मांगो, और ये कहना कि अब ये घर उनका है। और याद रखना, आज के बाद तुम लालच मत करना, वरना इससे भी बुरा होगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर वो दरवाजा खुल जाता है। व्यापारी पूरे गांव में उन दोनों को ढूंढता है। बहुत ढूंढने के बाद रेखा और पूनम मिल जाते हैं। व्यापारी उन दोनों से माफ़ी मांगता है। पूनम बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और अब वो घर तुम्हारा है, मैं उस घर में नहीं रहूँगा, तुम लोग जाकर उस घर में रह सकते हो। व्यापारी की ये बात सुनकर रेखा और पूनम दोनों खुश हो जाते हैं।